अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 2C। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड अ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फाइव। ये देखें, क्यूब है एक नंबर का, हमने क्यूब फाइंड करना है। क्यूब मीन 3 टाइम मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6। ठीक है, 6 जब वैल्यूएट करना है वो भी क्यूब रूट फाइंड करना है। पहले में हमने क्यूब फाइंड करना है, नेगेटिव नंबर है, कुछ नंबर पॉजिटिव नंबर है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है -2 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी -2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया। ठीक है, सबसे पहले मगर इन दो को मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 प्लस 4 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई बाय -2 ये वाला, ये एज इट इज़ आ गया। तो प्लस साइन और माइनस साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 8, तो -8 जो है आंसर आ गया। तो इसके बाद है बी पार्ट, -5 का क्यूब, तो -5 इंटू मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्या माइनस माइनस प्लस, 5 5 20 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, इधर प्लस आ रहा, प्लस माइनस माइनस, 25 5 125। तो बी पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसका सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, -10 का क्यूब, तो -10 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय -10। तो सबसे पहले इन दो को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 10 10 100, और ये वाला साइन जो है एज इट इज़ आ जाएगा -10। प्लस माइनस माइनस 10 100 110 का होता है 1000। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1000। इसी के साथ ही डी पार्ट है, -6 का क्यूब, तो -6 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई बाय -6 हम इसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 6 36, और मल्टीप्लाई बाय -6 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 36 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 216। तो इसके साथ ही डी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एवेल्यूएट करना है हमने, ये क्यूब रूट है, तो इसमें जो नीचे नंबर होगा वो एग्जैक्ट किसी नंबर का क्यूब बन रहा हो। तो हमें पता है 3 3 9 3 9 27 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है। ये भी हमने पीछे जो टेबल हमने चैप्टर नंबर 1 में बनाया था वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह माइनस साइन एज इट इज़, और इधर क्या आ जाएगा, 8 का क्यूब होता है ये 64 जो है। ठीक है, आई थिंक जो है 4 का क्यूब जो है ये होता है जी, तो 4 इधर लिखना था, मैंने 8 लिख दिया। तो -64 जो है, यहाँ 64 जो है इसका किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। तो क्यूब जो है इधर भी क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, इसके बाद है पार्ट सी, तो 2 8 होता है 2 का क्यूब, ऊपर क्यूब रूट एज इट इज़ आ जाएगा, क्यूब रूट जो क्यूब से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह -216 अभी हमने पढ़ा है, ये किसका, यानी कि इसके क्यूब -16 है ना, -216 है, तो -6 का ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और क्यूब रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -6। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 2C का वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।